गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का समय है, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पीछे साइड धूप निकल गया है। इतना देर जो है धूप निकला ही नहीं था और लगभग अभी 8 बजने को आया है तब यहाँ धूप निकल रहा है। और देखिए इधर साइड जो है हम लोग का लॉज का पोचोड़ा हो रहा है, एकदम चमक रहा है इधर। और आज जो है मेरा कॉलेज भी है तो कॉलेज जाना पड़ेगा, तो कॉलेज लगभग 9:30 से रहता है मेरा, तो उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा कॉलेज के लिए। अभी तो मतलब लगभग सब कुछ हो गया है बट नाश्ता उस्ता बनाया नहीं है, नाश्ता उस्ता बनाएंगे उसके बाद खा पी के फिर कॉलेज चले जाएंगे। अभी जो कि खाना नहीं बनाएंगे, नहीं तो आके मतलब खाएंगे तब तक से एकदम से ठंडा हो जाएगा, बहुत ठंडा लगेगा। तो अभी खाना नहीं बनाएंगे, एक ही बार कॉलेज से आने के बाद खाना सब्जी बनाएंगे उसके बाद खाएंगे। तो अभी जो है कुछ देर बाद मेरा कॉलेज का भी टाइम हो जाएगा, लगभग अभी 8 ही बज गया, तो अभी 9:30 पहले कुछ देर पहले ही जाना पड़ेगा, 15 मिनट पहले ही निकलते हैं हम लोग। तो तब तक से मतलब नाश्ता उस्ता भी बनाना है और खा पी के जाना ही है। तो अभी जो कि नाश्ता उस्ता बना लेते हैं उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होंगे और कॉलेज जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है मेरा नाश्ता उस्ता हो गया है, नाश्ता उस्ता कर ली मैं, और आज नाश्ते में जो है और आटा का थापा हुआ रोटी खाई मैं। इतना देर जो कि लाइट ही नहीं था इसीलिए कुछ मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और अभी जो कि मेरा कॉलेज का भी टाइम हो गया है और मैं कॉलेज के लिए रेडी भी हो गई हूँ, तो अभी कुछ देर में मैं निकलने वाली हूँ कॉलेज के लिए मेरी फ्रेंड लोग के साथ। तो चलिए अभी अब कॉलेज के लिए निकलते हैं। हम से निकल गए हैं अभी कॉलेज के लिए और मेरी फ्रेंड लोग के साथ अभी कॉलेज जा रहे हैं। तो अभी जो कि हम लोग 10 मिनट पहले ही निकल गए हैं, जितना टाइम में कॉलेज जाने का रहता है उससे 10 मिनट पहले ही निकल गए हैं और 10 मिनट में ही हम लोग कॉलेज पहुंच ही जाएंगे। तो अभी 3 को ही हम लोग साथ में जा रहे हैं मिलके, और काफ़ी बच्चे भी जा रहे हैं आगे में। कॉलेज हम लोग के रूम से अधिक दूर में नहीं है इसीलिए हम लोग पहले नहीं निकलते हैं, जितना टाइम में कॉलेज पहुंचने का रहता है उससे 10 मिनट पहले ही निकलते हैं, तो आराम से हम लोग पहुँच जाते हैं। और अभी जो कि कॉलेज पहुँच चुके हैं, क्लास ख़त्म हो गया तो छुट्टी भी हो गई, और अभी जो कि वापस रूम जा रहे हैं क्लास ख़त्म हो गया तो अभी जो कि रूम पहुंच चुके हैं। और यहाँ देखिए गोलू मोलू क्या कर रही है, खेल रही है, क्या कर रही है गोलू मोलू, और इधर बालू में खेल रही है। और देख सकते हैं इसके साथ और भी कोई कोई है। तो अभी रूम की ओर चलते हैं हम लोग, थोड़ा भूख लग रहा है तो खाना उना खा लेंगे बना के, अभी तक जो है बनाए भी नहीं है। रूम पहुंचने के बाद ड्रेस चेंज करके खाना उना तो चढ़ा दिए हैं और अभी जा रहे हैं प्रैक्टिकल कॉपी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो है प्रैक्टिकल मिल चुका है। तो अभी बुक स्टोर जा रहे हैं कॉपी लेने के लिए, क्योंकि जल्दी ही प्रैक्टिकल बनाना है और बुक स्टोर भी सामने ही है हम लोग का। तो अभी लगभग बुक स्टोर भी पहुँच चुके हैं, यही रहा बुक स्टोर जो कि हम लोग का अधिक सामने पड़ता है। तो अभी प्रोजेक्ट कॉपी ले लेते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी सॉरी, और ये जो कि एक फिजिक्स का है, और ये वाला 2 कॉपी लेते हैं तो फाइल दीजिए, और अभी तो इसे भी लिख के ख़त्म कर लेते हैं फिर लेंगे, सामने ही दुकान है। एक फ़ाइल भी ले लेते हैं और ये हम लोग का फाइल भी आ गया है, जो जो लेना था ले लिए। अब रूम की ओर चलते हैं और खाना चढ़ा के आए हैं, खाना भी पक ही रहा है, 2 काम एक ही बार हो जा रहा है। और अभी तक लगभग खाना पक ही गया, और खाना पक गया है अभी खा लेते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स, अभी जो कि शाम हो गया है और अभी मैं घर जाने वाली हूँ, इधर अनिमा आ गई है और उधर जो है पापा बाहर में खड़े हैं, पापा मुझे लेने के लिए आए हैं। तो अभी जो कि थोड़ा बहुत शाम हो गया है कॉलेज से आने के बाद, जो कि मैं खाना उना खाने के बाद अभी तक जो है पापा आए, तो अभी घर की ओर चलते हैं। बाहर में पापा हम लोग का वेट कर रहे हैं, तो रेडी हो चुके हैं और अभी बाहर जा रहे हैं, इसके बाद जो है पापा के साथ हम लोग घर चले जाएंगे। क्यों रे अंजू से छोटी, पापा बाहर में वेट कर रहे हैं और अभी जो कि हम लोग पापा के साथ जाने वाले हैं। ये रहे पापा और हमारी बाइक, तो अभी हम लोग इसी में जाएंगे घर, और अभी जो कि वहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए। बाइक में तो काफ़ी हवा चलता ही है, तो अभी जो कि हवा चल रहा है बहुत, और अभी ताऊ मैदान पहुँच गए हैं। देख सकते हैं ये बड़का सा ताऊ मैदान दिख रहा होगा, और यहाँ पे बच्चे विशेषकर शाम के टाइम में खेलते ही हैं, और अभी जो कि शाम हो गया है तो बहुत बच्चे हैं, तो अधिक स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बाइक में हूँ और बाइक बहुत तेज़ी से चल रहा है।
तो अभी जो कि ताऊ मोड़ तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है ताऊ मोड़ है ये, और यहीं से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग को कुछ कुछ गांव मिलेगा, फिर सोनाहतु मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी जो है रोड के किनारे पहाड़ देखने को मिल गया है, देख सकते हैं। और ये जो है काफ़ी ऊंचा है पहाड़, देख के ही लग रहा होगा। और हम लोग जो कि दूर में हैं इसीलिए थोड़ा सा अछिप रहा है, बट असल में सामने जाने से पता चलेगा कि कितना ऊपर है, कितना ऊंचा है। तो अभी जो है यहाँ से भी गुजर रहे हैं, और इधर एक हनुमान का मूर्ति है, यहाँ भी एक बाज़ार लगता है। पहाड़ के नीचे में ढेर सारा खेत भी है, पर पेड़ सबके कारण छिप गया है। और यहाँ देखिए काफ़ी सारा पेड़ दिख रहा है, जस्ट नीचे में ही बहुत सारा पेड़ है। और इधर जो कि मतलब अभी हम लोग कुछ देर में ही सोनाहतु पहुँचने वाले हैं। और इधर खेत में कुछ कुछ फसल लगाया गया है, देख सकते हैं हरा ही हरा दिख रहा है। और अभी जो कि सरसों का टाइम है, सरसों विशेष कर लगाया हुआ है, जो कि फूल खिला हुआ है, पीला ही पीला दिख रहा होगा आप लोगों को, एकदम सब तरफ जो है पीला ही पीला लग रहा है। और अभी हम लोग लगभग सोनाहतु पहुँच गए हैं। ये वाला सोनाहतु वाला तालाब है जिसमें विशेषकर शालुक फूल का ही पत्ता रहता है, पानी बहुत कम ही दिखता है, इसमें पत्ता से पूरा ढक जाता है पानी, बहुत सारा फूल खिलता है इसमें शालुक का फूल। तो फाइनली अभी सोनाहतु पहुँच गए हैं, और इधर जो है काफ़ी भीड़ लग रहा है, सब तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। आज जो कि बाज़ार है इसीलिए अधिक ही भीड़ लग रहा है। इस जगह पे सप्ताह में दो दिन बाज़ार लगता है, एक बार शनिवार को और एक बार मंगलवार को। तो सप्ताह में बस दो ही दिन बाज़ार लगता है यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ भी होता है। तो अभी जो कि ढेर सारे लोग जो है सब्जी खरीद खरीद के वापस घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अभी शाम भी होने को आ रहा है, तो घर की ओर जा रहे हैं। और इस बाज़ार को सोनाहतु बाज़ार के अलावा दनाडी बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, और इधर के लोग विशेषकर दनाडी बाज़ार ही बोलते हैं, और सोनाहतु बाज़ार बहुत ही कम बोलते हैं। आगे एक पेट्रोल पंप भी है, ये तो दिख ही रहा होगा, और इसके कारण काफ़ी लोगों को सुविधा मिल गया है बहुत। और अभी जो है सीधा घर की ओर चल रहे हैं हम लोग। इस जगह थोड़ा सा सुनसान टाइप से है रोड, कहीं आसपास में घर नहीं है, और जो है अगल बगल रास्ता के अगल बगल बहुत सारा झुंड है, देख सकते हैं। तो फाइनली अभी नदी के सामने आ गए, और ये कांची नदी वाला पुल जो है आगे में दिख रहा होगा, और ये रहा पुल जो कि कांची नदी वाला है। और इधर जो है पानी नहीं है अभी उतना, देख सकते हैं बहुत ही मतलब कम बह रहा है पानी, अभी पानी उतना नहीं है। जब पानी बरसता है, जब पानी गिरता है तो काफ़ी पानी हो जाता है इधर, बहुत सारा पानी। और अभी ये पुल भी काफ़ी लंबा था, और अभी जो कि एक दो गांव मिलेगा उसके बाद जो है हमारा घर भी मिल जाएगा। और तो अभी अधिक दूर नहीं है, और कुछ दूर ही है घर पहुंचने में, और लगभग अभी शाम भी हो गया पूरा पूरी, देख सकते हैं सब तरफ जो है हल्का हल्का धुंधला आने लग गया है, हल्का हल्का धुंधला दिखने लग गया है, और अभी जो कि सूरज भी डूब गया है। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं जहाँ हम लोग आने वाले थे, मतलब ये रहा मेरा घर, देख सकते हैं जो कि आगे में दिख ही रहा है। और अभी जाएंगे और देखते हैं छोटिया क्या करती है, ये रही छोटिया, और देख सकते हैं ये अभी बादाम खा रही है और स्टडी कर रही थी शायद। और यहाँ जो कि मालपुआ लाए हैं जो कि सब खा रही है, और यहाँ जो है विवेक आया हुआ था, चुपके चुपके देख रहा है, और अभी ये फिर भाग गया है। फ्रेंड्स फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं, और अभी जो कि बाहर में काफी रात हो चुका है, वहाँ बुंडू से आने के बाद कुछ देर आराम कर लिए थे, और अभी देखिए यहाँ पे ढेर सारे बच्चे पार्टी आ गए हैं। कब विवेक क्या कर रहा है तुम? मोबाइल देख रहा है। और तुम लोग क्या कर रही है? बादाम खा रही है। और अनिमा अभी एकदम मस्त वाला हेयरबैंड ली है बिल्ली जैसा क्यों रे, बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ जो कि दीपिका टोपी पहनी है, भूत वाला टोपी ले ली है, एकदम बड़ा ऊंचा सा है, भालू वाला है, अच्छा भालू वाला है बता रही है। और अभी जो कि काफी रात हो गया है, तो कुछ देर बाद जो है मम्मी अभी खाना उना बना रही है, और लाइट आएगा तो खाना उना खा लेंगे, उसके बाद जो है खा पी के सबको याद सो जाएंगे मस्त सा। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और
चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।